बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 30 मार्च 2022, समय हो गया 01:24 AM। रिसेंटली अभी मैसेज मिला हम लोगों को 1315 से, 1315 इज इन पाकिस्तान। सो थैंक यू वेरी मच, यू वांट स्पीक टू मी, आई हियर योर मैसेज, सो आई विल ट्रांसलेट इन मोर। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे 1315 पाकिस्तान की तरफ से मैसेज प्राप्त हुआ है और आप मुझसे बात करना चाह रहे थे, आपने जो मैसेज दिया वो मैंने पढ़ भी लिया और सुन भी लिया है। मैं 1326 बात कर रहा हूँ आपसे जी, 1326 1350 से, मैं हूँ जेसीओ हितेश। बहुत बहुत धन्यवाद, सल्यूट टू यू। राइट नाउ आई एम इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, सो दैट्स व्हाई आई सेड सल्यूट टू यू। आई विल अपलोड दिस वीडियो जी। देखिए वहाँ क्या हुआ है, वो आपकी अड़ी है, आपने हमें सूचित किया, बहुत बहुत धन्यवाद, हम एहतियात बरतेंगे यहाँ पे। और बाकी देखिए ऐसा है, मैं अपनी बातों को क्लियर कर देता हूँ आपसे। देखिए आप 1315 हैं, ठीक है, मैं आपको सीधी बात समझाता हूँ, मैं हूँ जेसीओ हितेश, 1326 इंडियन आर्मी, जो मैं सही समझ रहा हूँ तो आप हैं 1315 पाकिस्तानी आर्मी, ठीक है साहब। आपने जो मुझे मैसेज दिया है, मैं उस मैसेज को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैसेज मैंने पढ़ लिया है, आप जो भी कर रहे हैं वो आप समझिए, ठीक है, हम एहतियात बरतेंगे, पर उसके बाद की फर्दर टॉक्स जो है मैं उसे कंटिन्यू करता हूँ। देखो साहब ऐसा है, ये बात सब जानते हैं, आपके उधर के लोग भी, हमारे लोग भी जानते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड जानता है, दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे की खून की प्यासी है। सुनते रहिए, साफ सीधी बात है, अगर उनको समझ नहीं आ रहा है, आपके नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कभी भी आपके द्वारा लिए गए फैसलों के बीच में आने वाला तो हूं नहीं। आप अपने देश के अंदर क्या कर रहे हैं वो आप समझिए, पर हाँ सरहद पे क्या कर रहे हैं ये हम समझ लेंगे, ठीक है। आपने जिस प्रकार से मुझसे बात करी मुझे बहुत अच्छा लगा, और यही तरीका भी होता है, ठीक है जी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मेरी तरफ से आप जानते हैं हम लोग जेसीओ से आपस में बात करते हैं तो वेपन्स एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज मतलब ये एक तरह से गिफ्ट होता है एक दूसरे के लिए, ताकि बात जो है वो हेल्दी रहे। तो मैंने आपके लिए जो क्या कहते हैं कुछ वेपन्स और कुछ व्हीकल्स भिजवाए हैं, प्लीज़ आप उसको रिसीव कीजिए, क्योंकि आपने पहली बार जो है 1350 से बात करी है जी, मैं 1326 हूँ, 1350 बात नहीं करता जी। नहीं, आप 1350 से बात करना चाह रहे थे, 1326 हूँ जी मैं ही काम करता हूँ साहब, जेसीओ इंडियन आर्मी पैरा एसएफ। बाकी मुझे अंदेशा तो था मुझे, पर हाँ ये जरूर है, आप सरहद के उस तरफ क्या कर रहे हैं वो आप समझिए। मैंने अपनी वीडियोस में साफ सीधे तौर पे जो है क्या कहते हैं, मैंने इमरान खान को समझा दिया कुछ मामलों में, क्योंकि इमरान खान जो है वहां से बैठ गया, वो फालतू का ऑर्डर पास कर रहा था। और आप जानते हैं कि फोर्सेज में जो है सर, हम अपने यहां से बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, पर साफ बोल रहा हूँ आपको, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आरएसएस, हम इनको इन्वॉल्व भी नहीं करते, यहां तक हम तो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, साफ सीधी सी बात है। अब वो वहां से जियादियों को एक्टिवेट कर रहा है, आईएसआईएस एक्टिवेट कर रहा है, जमात उ दावा, लश्कर ए तैयबा, कभी हाफिज सईद, कभी मौलाना मसूद अजहर, कभी आपका अभी ये फजल रहमान है, क्या लगा रखा है ये, मुझे उससे क्या लेना देना है। आप वहां पे आप संसद में कुछ भी दिखाने के लिए, आप रोड पे आप कितनी मर्जी पब्लिक ले आओ, तो मुझे क्या लेना देना है। आप फजल रहमान को रखो या ना रखो, साफ सीधी सी बात है जी, आप समझे नहीं बात को,
वो ऑरेंज पहले पहनते हो, मैं इन चीजों में पढ़ता ही नहीं जी। हम तो डिफेंस फोर्सेस से हैं, हमें इतनी बात समझ ही नहीं आती। हाँ, बॉर्डर पे क्या हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हर गोली का जवाब देना हम जानते हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है और क्या। नहीं, 1350 से बात नहीं होती जी। नहीं, उसके लिए आप नाराज ना होइए। नहीं, इंडियन आर्मी की तरफ से मैं JCO हितेश 1326 मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ सर आपको जवाब देने के लिए जी। एग्जैक्टली हाँ जी, वो उनकी देखिए ऐसा है ना, मेरी बात सुनिए, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग सीधे तौर पे एक बात जानते हैं जी, वहाँ वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है जी, वो समझे। हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हो, बात खत्म है जी, सीधी सी बात है जी, ठीक है ना जी भाई। वो छोड़ो ना जी, हिम्मत साहस पराक्रम जो है वो मैदान जंग में दिखता है, जब होगा तब देख लेंगे, सही है गलत है जी, बस इतनी सी बात है साहब। वो जब मौका आता है पीछे कौन हटता है जी, साफ सीधी सी बात है। पर आपने जो मेरे को सूचना दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। यदि आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं मुझे, यदि आप और कुछ कहना चाहते हो। नहीं, हमारे वो इंडियन आर्मी को इस बात का कोई मतलब नहीं है जी, पाकिस्तान में राजनीतिक रूप से अंदर क्या हो रहा है। हाँ, यदि आप ये चाहते हैं, मैं इस बात को क्लियर करता हूँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि विश्व के अन्य किसी देश से आपके द्वारा लिए गए वहाँ के किसी फैसले पे आप पे हमला हो सकता है या कुछ हो सकता है, उसके ऊपर हम कंसीडर कर सकते हैं, वो हम कंसीडर कर लेंगे। वो कभी भी जो है क्या कहते हैं, आप वायरलेस करके अपनी सिचुएशन बता सकते हैं, वो हम जरूर कंसीडर करेंगे। हमें बहुत खुशी होगी, हमें तो बहुत खुशी होगी। मैंने हल्का सा हिंट दे दिया आपको, जो मेरे समझ में आया, जो आपने मुझे मैसेज दिया। कई बार होता है सर, कुछ फैसले जब डिफेंस फोर्सेस ले लेती हैं, वो आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। मैंने हल्का सा हिंट आपको दे दिया है, बाकी आप समझदार हैं सर। हम एज वाइज मेरे से आप सीनियर हैं, रैंक वाइज भी आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, पर क्योंकि यहाँ JCO एक्टिवेट है सर, तो इसलिए बात मैं ही करूँगा। जी आप लिख सकते हैं सर इस बात को, आई विल अपलोड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच सर।